राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश व जिला पदाधिकारी की बैठक हुई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की आगामी कार्यक्रम स्थापना दिवस, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मन की बात आदि कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा हुई। मौके पर पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि जिस तरह से झारखंड में दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक अपना संगठन महापर्व चलने वाला है, जिसमें प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी आयोजित होने हैं। प्रदेश का भी प्रशिक्षण होगा, मोर्चे का, प्रदेश के पदाधिकारियों का, जिले के पदाधिकारियों का भी प्रशिक्षण होगा। एक लंबा विस्तार 3 महीने के अंदर सांगठनिक कार्यक्रम में है, रचनात्मक कार्यक्रम में है, और जो हमारे जन्म जयंती जो महापुरुषों की मनानी है, उस काम को ठीक से करने के लिए और निचले स्तर तक संगठन को पहुंचाने के लिए, और जो आज झारखंड के अंदर जो स्थिति परिस्थिति है दलितों के अत्याचार के ऊपर, उसके लिए लगातार खड़ा होने का काम हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक करते हैं। इस लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए, जिस तरह से अभी पीटटाड़ में वो दलित महिला जो अंधी थी, जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला था और बिना किसी नोटिस के उसके घर को ढहा दिया गया, हमारे जिले के मंत्री, अपने प्रदेश के महामंत्री और मंत्री दोनों गए थे वहां पर। सदन के अंदर भी हम लोगों ने इसकी सूचना दी थी कि भाई एक गरीब दलित महिला को जो दिव्यांग है, अंध है, जिसको आवास योजना मिली, आप बिना सूचना के उसको गिरा दिए, आपको उसका संज्ञान लेना चाहिए। सरकार ने कहा तो भाई हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है, लेकिन अभी 2 दिन पहले का डेवलपमेंट है कि वन विभाग की ओर से उनको नोटिस किया गया है। पहले उनके घर को जिस तरह से सरकार ने ही आवंटित करके उसको बढ़ाया, और आज वो महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, और जो सरकार ने सदन के अंदर आश्वासन दिया था कि उस महिला का घर बनेगा, आज वो महिला को न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग लड़ाई, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसको घर दिलाने के लिए लड़ने का यहाँ कार्य योजना बनाई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।